हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने ये बहुत ही प्यारा मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई जस्ट वांटेड टू गो फुल ऑन ग्लैम टुडे, सो आई डिसाइडेड टू डू अ ट्यूटोरियल ऑन दिस लुक। तो मैंने शीना कौर को फॉलो करके ये लुक क्रिएट किया था और इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स फॉर अ ट्यूटोरियल ऑन दिस लुक, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट। तो अगर आपको ये लुक पसंद आया हो और आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हाय, माय नेम इज सोनी मिश्रा। आई पोस्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब एवरी मंडे एंड फ्राइडे, सो प्लीज टेक आउट अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लबरिंग, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू दिस। ओके, सो नाउ आई विल बिगिन विद माई मेकअप। आज मैंने अपना AC ऑन रखा है, तो अगर ऑडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो तो प्लीज़ बेयर विद इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बिना AC के शूट करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इसी के साथ मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। आज मैं अपना बेस मेकअप पहले नहीं करूँगी, राधा आई विल डू माई आई मेकअप फर्स्ट, क्योंकि आज मैं प्लान कर रही हूँ ग्लिटर आई करने का। आई विल यूज़ ग्लिटर ऑन माई आई, तो अगर फॉल आउट होता है तो इट विल रूइन माई बेस, सो आई विल जस्ट do my eye makeup first and then I will go in with my base. Okay, so let us begin with the makeup. Okay, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर रही हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वो सारे आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेक श्योर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो यू चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्टली आई फिल इन माई आईब्राउ, तो सबसे पहले एक स्पूली की हेल्प से आई विल जस्ट ब्रश माई हेयर and now I will fill it in. I use a dark brown shade of eyeshadow for my eyebrows. It is very important कि आपको जो hair color है वो आपके eyebrows से match करे, बहुत ज़्यादा dark या light मत करना। तो because मेरा hair color black है, पर मैं ब्लैक फिल नहीं करती हूँ आईब्राउज को, बिकॉज ब्लैक आईब्राउज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगती हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आईब्राउज विजिबल होती हैं, इट लुक्स वेरी फेक। तो इसीलिए मैं बहुत कूल टोन ब्राउन यूज़ करती हूँ, काफ़ी डार्क ब्राउन का शेड। इट मैचेज माई आईब्राउज परफेक्टली एंड इट डजंट लुक वेरी ड्रामेटिक और फेक फॉर दैट मैटर। सो या मैंने अपने आईब्राउज फिल की। नाउ अगेन आई विल गो इन विद दिस स्पूली लाइटली एंड सेट ऑल माई हेयर इन place. This is one eyebrow done. I'll do the same to the other eyebrow. आईब्राउज लुक गुड टुडे। अब मैं अपने आईब्राउज कार्व आउट करूंगी यूजिंग अ कंसीलर, और मैं उसी कंसीलर को अपने आईलिड्स पे भी लगा लूंगी, जस्ट टू गिव अ बेस टू माय आई शैडो। और मैं एक लाइटर कंसीलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि लाइटर कंसीलर के ऊपर आपके जो भी कलर्स हैं वो काफी प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं। तो आई विल डू दैट एंड I'll blend the concealer now and a little life update. आजकल मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है and it will be the same for the next week as well. उसके बाद शायद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, because मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है and I have a project to submit. तो उसी में आजकल पूरे दिन रात उसी में निकल जाता है, we work very late at night also. इस वजह से मुझे YouTube शूट करने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था, और इसीलिए आपको पता होगा मैं लास्ट मंडे भी शूट नहीं कर पाई थी और पोस्ट नहीं किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मंडे का भी अपलोड मिस हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम आज मिला तो मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, रात में ये एडिट करनी है और कल इसे अपलोड करना है। कल मेरी एक प्रेजेंटेशन भी है, कुछ एक साथ। Getting very hectic these days for me, and because of all this, I haven't slept in a while. इसलिए मेरे थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स भी डेवलप हो गए हैं, मतलब 1-2 हफ्ते से तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोई हूँ, बहुत ही कम, मतलब अराउंड 4 to 5 आवर्स अ डे ओनली। तो एनर्जी भी बिल्कुल ही ड्रेन होती जा रही है धीरे धीरे, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट, यू हैव टू कीप गोइंग एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। बट होपफुली नेक्स्ट वीक के बाद मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो मैं तो बहुत रेस्ट करने वाली हूँ। आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस टू शूट एंड अ लॉट ऑफ स्लीप, दैट इज ऑल आई एम गोना डू। ऑल्सो आई वांटेड टू से वन थिंग, दैट आई रियली वांट यू गाइस टू इंटरेक्ट विद मी। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या पसंद आता है और क्या नहीं आता, सो दैट आई कैन कीप योर सजेशंस इन माइंड व्हाइल मेकिंग माय वीडियोस एंड इम्प्रूव माय वीडियोस। आई नो आई लुक लाइक अ घोस्ट, बट कोई बात नहीं, इसको तो थोड़ी देर में फाउंडेशन से फिक्स कर लेंगे। बहुत लाइटली मैंने एक लाइट कलर का आई शेडो अपने कंसीलर पर पैक कर लिया है ताकि मेरा कंसीलर क्रीज ना हो। मैं एक बर्न्ड ऑरेंज टाइप का शेड ले रही हूँ एंड आई विल यूज इट एज ए ट्रांजिशन शेड। तो यहाँ से आप अपने ब्रश को पकड़े, बहुत ही लाइट हैंडेड, जस्ट इन स्मॉल सर्क्यूलर मोशंस ब्लेंड योर कलर टू गिव यू अ वेरी नाइस ट्रांजिशन। बहुत ज्यादा आई शेडो एक ही बार में लेके मत स्टार्ट करना, जस्ट गो लिटिल बाय लिटिल, क्योंकि अगर आपको इंटेंसिटी कम लगती है तो ऑब्वियसली यू कैन बिल्ड अप योर आई शेडो, बट अगर एक ही बार में आपने बहुत ज्यादा लगा दिया तो फिर उसको टोन डाउन करना मुश्किल है। तो इसीलिए एक ही बार में बहुत सारा आई शेडो मत ले, गो लिटिल बाय लिटिल। जब आप अपना आई शेडो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक टेप भी लगा सकते हैं, सेलो टेप या कोई भी टेप आप यूज कर सकते हैं, ताकि आफ्टर योर आई लुक इज डन यू कैन जस्ट पुल ऑफ दैट टेप और वो आपको बहुत शार्प एजेस दे देगा, बट अभी मैं वो यूज नहीं कर रही एंड आई लाइक मोर ऑफ अ ब्लेंडेड लुक। आई थिंक इट लुक्स गुड। अभी के लिए इतनी इंटेंसिटी विल वर्क, बट अगर मुझे कम लगेगा तो फिर आई जस्ट बिल्ड इट अप एज इन व्हेन आई गो ऑन द अदर आई ऑल्सो। ओके, तो अभी के लिए दिस इज लुकिंग गुड। तो अब मैं अपना क्रीज डिफाइन करूंगी यूजिंग अ डार्कर ब्राउन शेड। मैं सेम ही ब्रश यूज कर रही हूँ, यू कैन गो विद अ डिफरेंट ब्रश। इन विंडशील्ड वाइपर मोशन बहुत लाइट हैंडेडली आप ये मोशन यूज करके अपनी क्रीज डिफाइन करेंगे। यू कैन ऑल्सो गो विद अ स्मॉलर ब्रश एंड इन योर क्रीज यू कैन गो इन स्मॉल सर्कल्स। कैन यू सी इट जस्ट गेव अ डेप्थ टू माई क्रीज। आप चाहें तो इसको और डीप कर सकते हैं, एक शेड और डार्क ले लें ब्राउन की ही और क्रीज में पैक करें एंड देन ब्लेंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं एक बार बोलना चालू करती हूँ तो आई जस्ट डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि द कैमरा स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग और मैं आप लोगों से बात करते करते मैं अपना मेकअप करती रही और मैंने देखा तो फिर कैमरा स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग। आई एम रियली सॉरी। तो मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके आई ब्लेंडेड माई क्रीज इन विंडशील्ड वाइपर मोशन एंड देन मैंने अपना काजल लिया और काजल से मैंने एक ब्रश की हेल्प से काजल को मैंने अपने आउटर और इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया है। दैट इज ऑल दैट आई हैव डन टिल नाउ। मैं डार्क ब्राउन शेड से इसे ब्लेंड करूंगी एंड व्हाइल आई एम ब्लेंडिंग माई आउटर एंड इनर कॉर्नर, यहाँ क्रीज वाली एरिया से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी ताकि इट क्रिएट्स अ हेलो। So like you can see, I have blended my outer and inner corner and I have joined it here, creating an halo. And there is a transition, there is no harsh line. But if there are any harsh lines, you just blend the two shades. अब जो next step होगा वो optional है। मैं center में I will place shimmer, तो आप directly भी shimmer place कर सकते हैं, but थोड़ा सा concealer अगर आप यहाँ पे लगा देंगे सिर्फ center में, बस that is it। थोड़ा सा एक lighter base मिल जाए शिमर को एंड ऑल्सो कंसीलर पे जब शिमर और ग्लिटर स्टिक होगा तो इट विल पॉप आउट बेटर। तो अब आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज योर फिंगर एंड जस्ट डैब इट इन प्लेस। जो हमने हेलो क्रिएट किया था वो थोड़ा सा खराब हो गया है एंड ऑल्सो यू हैव दीज हार्श कंसीलर लाइन, तो आप दोबारा डार्क ब्राउन शेड में अपना ब्रश डिप करेंगे एंड यू विल जस्ट ब्लेंड इट हियर वेरी लाइटली। नाउ यू विल टेक अ शिमर शेड. So I'll just place that shimmer. I feel the shimmers and glitters just look better when you use them with your finger. अब वही ब्रश में यूज करूंगी, I'm not dipping it in any eyeshadow. उसी ब्रश से मैं यहाँ पे ये जो शिमर की लाइंस बन गई हैं इन्हें मैं धीरे धीरे से ब्लेंड करूंगी टुगेदर सो दैट पूरा ब्लेंडेड लुक लगे एंड देर आर नो हार्श लाइंस एज सच। मैं इसके ऊपर ग्लिटर प्लेस करूंगी, I'll take golden glitter और मैं उसको अपनी आईलिड्स पे प्लेस करूंगी, सिर्फ वहाँ पे जहाँ मैंने शिमर शेड लगाया है। थोड़ा सा अपने आउटर और इनर कॉर्नर्स को ब्लैक आई शेडो से डेप्थ दूंगी, अ लिटिल ब्लैक हियर हियर एंड नाउ आई विल ब्लेंड इट ऑल। अब मैंने जो शेड ट्रांजिशन के लिए यूज किया था मैं उसी में अपना ब्लेंडिंग ब्रश डिप करके यहाँ पे ब्लेंड करूंगी ताकि जो ब्राउन और ट्रांजिशन के बीच में हार्श लाइन क्रिएट हो गई है वो थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाए, ब्लेंड इट ऑल टुगेदर। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी, आप जेल लाइनर लगा के उसको स्मोक आउट भी कर सकते हैं बट आई वुड प्रेफर लिक्विड लाइनर टुडे। और मैं लाइनर पूरे एंड तक नहीं लगाऊंगी एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग फॉर अ विंग्ड आईलाइनर लुक टुडे। ब्रश में डार्क ब्राउन आई शेडो लूंगी और उसको आई विल प्लेस ऑन माई लोअर लैश लाइन। बिल्कुल इधर इनर कॉर्नर तक मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एकदम इनर कॉर्नर तक अगर आप डार्क शेड लगा देते हैं तो आपकी आईज ऐसा शॉर्ट लगने लग जाती है, छोटी लगती है। ये हो गया है, अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश पे वही ट्रांजिशन वाला शेड लेके नीचे भी ब्लेंड कर दूंगी। Now the look is coming together। तो जो मैंने शिमर शेड लगाया था अपने हेलो पे, सेंटर पे, तो मैं उसी शिमर शेड को लगाऊंगी अपनी इनर कॉर्नर पे एंड अ लिटिल बिट हियर जस्ट टू ओपन अप द आई। और अब मैं इसी शेड को अपनी ब्राउ बोन पे भी लगाऊंगी। तो या नाउ द आई लुक इज complete and it looks very pretty। I mean, I love this look। Let me know what do you think about it। अभी मैं दूसरी आई पे भी same step follow करूंगी and then I will place a lashes and be right back। सबसे पहले मैं अपनी ही शेड का कंसीलर लूंगी जस्ट टू कंसील, थोड़ा सा मैं अपनी अंडर आईज पे लूंगी टू क्लीन अप द आई शेडो ताकि वो एजेस थोड़े से डिफाइंड लगे लाइक दिस। एंड देन जहाँ पे मुझे कंसीलिंग की जरूरत है लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मार्क्स हियर एंड देयर आई हैव। माई स्किन इज नॉट डूइंग वेल दीज डेज बिकॉज वन आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, आई हैवंट स्लेप्ट वेल इन पास्ट 15 days एंड ऑल्सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन। अंडर आई के लिए आई विल यूज अ ब्रश। ब्लेंडिंग योर कंसीलर विद अ ब्रश गिव्स यू अ बेटर कवरेज क्योंकि वो प्रोडक्ट सोकअप नहीं करता है। फॉर माई फाउंडेशन मैं इसे पूरे फेस पे डॉट करूँगी। I'll dot it over my neck. Now I will blend it using a blender. I am wanting to try some full coverage foundation. So अगर आप लोगों की कोई suggestions हो तो please आप comment box में लिखें। I would love to try them out. Yeah, so the foundation is blended properly. मैं lighter concealer use करूँगी और ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, बस थोड़ा सा just to brighten up my under eyes and also to highlight the higher point. I will use a brush to blend this. I have gone a little heavy with the makeup. आज मेरा बहुत मन कर रहा था to actually glam up, like proper glam up. मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गई थी। Doing my makeup just makes me really happy. I will go lightly on my lower lash line. That's it. On the other side as well. लाइटली पाउडर डस्ट करती हूँ जस्ट टू पैक माई बेस, दैट इज इट। अब मैं कॉन्टोर करूँगी। अब मैं ब्लश लगाऊंगी। मुझे सबसे ज़्यादा ब्लश लगाना डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छा लगता है बिकॉज इट जस्ट ब्लेंड्स इन वेरी वेरी स्मूथली। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है आपने ज़्यादा ब्लश लगा लिया है तो जिस साइड से आपने फाउंडेशन ब्लेंड किया था वहाँ से जस्ट लाइट हैंडेडली टोन इट डाउन। बेस रेडी है, आईज रेडी हैं, तो अब हम जल्दी से पूरा मेकअप पैक कर लेते हैं। मेकअप फिक्सर इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल वो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाता है बट ऑल्सो जितना भी पाउडर आपने अपने फेस पे यूज किया है लाइक द ब्रॉन्जर, कॉन्टोर, पाउडर, ब्लश, एनीथिंग, तो वो सबको वो साथ में अच्छे से ब्लेंड कर देता है तो वो पाउडर की लेयर अलग से आपके फेस पे नहीं दिखती है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊं या रेड लिपस्टिक लगाऊं क्योंकि मेरी आईज बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं तो आई थिंक न्यूड। आई एम फीलिंग द रेड लिपस्टिक वाइब्स टुडे। आई वांट अ रेड लिप्स टुडे। आई थिंक आई विल गो इन विद रेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, आईज ग्लैम है तो लिप्स ग्लैम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, लगाते हैं। चलो लाइन माई लिप्स फर्स्ट। मैं मेकअप करने से पहले अपने लिप्स पे लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो थोड़े से मेरे लिप्स ड्राई हो रहे थे। तो दिस लिपस्टिक इज वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक। तो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है कि मैं अपने लिपस्टिक कैसे वियर करती हूँ एंड सम ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स विद देयर स्वॉचेस। तो मेक श्योर यू चेक आउट द वीडियो, समवेयर हियर यू विल गेट इट। दिस इज माय लुक एंटायरली कंप्लीट बट वी आर लेफ्ट विद द हाईलाइटर। मेरे आई शेडो पैलेट में शिमर शेड है, मैं उसी शिमर शेड को एज अ हाईलाइटर यूज करूंगी। इट लुक्स रियली प्रिटी, नॉट वेरी bomb.com बट सटल, अच्छा लग रहा है बहुत। तो आप कोई भी शिमर शेडो भी यूज कर सकते हैं अपने हाईलाइटर के लिए। मेक श्योर उसमें बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स ना हो, अच्छा लगता है वो। तो ये वही वाला शिमर शेड है जो मैंने अपने आईज़ को हाईलाइट करने के लिए और आईज़ के सेंटर में शिमर लगाया था, वही वाला शेड फेस पे भी हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई हाईलाइट माई नोज एज वेल। I really love how this look has turned out and I think the red lips really look bomb on this look. Nude भी अच्छा लगेगा but this red is just, I just love this red. Okay, तो मैं फटाफट से अपने बाल खोल के आती हूँ, थोड़ा सा और अच्छे लगेंगे and I'll be right back. ओके गाइज, तो अब मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एंड आई एम लविंग दिस लुक। दिस लुक रियली मेक्स मी वांट टू गो आउट एंड पार्टी, बट या वो तो पॉसिबल है नहीं, तो आई जस्ट टेक सम क्यूट पिक्चर। आई एम डिगिंग दिस लुक। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो कि आपको ये लुक कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेकअप ट्यूटोरियल्स करूँ या any changes, any improvements, any suggestions, everything, drop it in the comment box below and I'll make sure I follow each and every comment that you guys put. Please keep supporting me the way you are. So yeah, with this I will end this video. I hope you liked this video and if you did, please consider hitting the like button and subscribe to my channel down below. Don't forget to hit the notification bell so that every time I upload a video you get notified. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.